हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों सैमसंग वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड है जो एंड्रॉइड के अंदर कुछ ऐसे स्पेक्स ऑफर करता है जिनकी वजह से सैमसंग सबसे हटके एंड अलग होता है। लाइक वन यूआई जो एंड्रॉइड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट यूआई मानी जाती है। लॉन्ग टाइम तक प्रॉपर ओएस अपडेट्स, सैमसंग बजट के अंदर भी 4 से 5 साल तक ओएस अपडेट्स इजिली पुश कर देता है जो कोई दूसरा ब्रांड नहीं करता। एंड नॉक्स सिक्योरिटी जो बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी होती है और इसके थ्रू आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या फिर चीजों को फुली सिक्योर कर सकते हो। वे इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप 5 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन्स बताऊंगा जिन्हें आप इस टाइम पर अंडर 15 के प्राइस में बाय कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और जानना चाहते हो कि अंडर 15,000 प्राइस में कौन सा बेस्ट सैमसंग फोन है आपके लिए, देन ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगी, एंड तक देखिए। बट गाइस सर, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिवाइस की जो इस लिस्ट का लास्ट फोन है, नंबर 5th पोजीशन पर आता है और ये दोस्तों सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। अगर आपको अंडर 10 के प्राइस में एक बेस्ट सैमसंग फोन बाय करना है देन इस फोन को चेकआउट करिए। ये इस प्राइस बैट के अंदर बनौता बेस्ट फोन है, नो डाउट। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.6 इंचेस फुल HD प्लस PLS डिस्प्ले मिलता है। बेसिकली दोस्तों जो PLS पैनल होता है ये IPS से बेटर होता है, पावर कम कंज्यूम करता है और कॉन्ट्रास्ट दिखता है। इसमें आपको ड्रॉप नॉच मिलेगा, 90Hz फास्ट रिप्रेट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। रियर साइड में पॉलीकार्बन बैक मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, साथ में 2 का डेप्थ और 2 का मैक्रोस मिलेगा। बट सडनली इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 13MP की सेल्फी दी गई है। इसके मेन और फ्रंट दोनों ही कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर। कैमरा क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अच्छी खासी मिलेगी। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है सैमसंग के खुद का एक्जिनोस 1330 जो एक 5nm आर्किटेक्चर बेस्ड CPU है। 5nm CPU और बिग बैटरी होने की वजह से आपको सिंगल चार्ज पर लॉन्ग टाइम तक बैटरी बैकअप मिलेगा। इसका अंततः स्कोर 3,80,000 प्लस आता है। मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है जो कि 1 UI 5.1 पर बेस्ड है। 13 5G बैंड्स, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। 2 साल तक OS अपडेट्स और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है जो कि 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट सडनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया है। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है विदाउट एनी ऑफर 9499 9,500 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। अगर आप बजट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो देन इसको चेकआउट करिए। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में आपको 6.6 इंचेस फुल HD प्लस PLS डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच, 90Hz फास्ट रिप्रेट सपोर्ट करता है, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए अगेन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसेंट मिलता है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी 50MP का दिया गया है, साथ में 2 का एक यूजलेस लेंस मिलेगा। बट अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 13MP की सेल्फी दी गई है। इसके मेन और फ्रंट दोनों ही कैमरा से अगेन फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी एवरेज मिलती है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है एक्जिनोस 1330 जो अगेन 5nm CPU है, काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है, सिंगल चार्ज पर लॉन्ग टाइम तक बैटरी बैकअप देगा। ये स्नैपड्रैगन 695 के सिमिलर परफॉर्म करता है। 4,00,000+ स्कोर मिलेगा। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है जो कि 1 UI 5.1 के कोर वर्जन पर बेस्ड है। 13 5G बैंड्स, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है जो कि 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट अगेन अडैप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड सिंगल स्पीकर और 3.5mm जैक दिया गया है। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 10,999 में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। अगर आप बजट को 11,000 से थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो देन इसको चेकआउट करिए। ये इस प्राइस पॉइंट पर वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन है, नो डाउट। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन में आपको 6.5 इंचेस फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच, 90Hz फास्ट रिप्रेट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 800 पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले टॉप क्लास दिया गया है कंटेंट वॉचिंग के लिए।
रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है जिस पर ग्लॉसी फिनिश दी गई है और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्स टाइप। मिनिमल डिजाइन मिलता है। इसमें ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा, साथ में 5 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलता है। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके मेन और फ्रंट दोनों ही कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। इसका कैमरा टॉप नॉच परफॉर्म करता है। डेलाइट कंडीशन में जबरदस्त क्वालिटी मिलेगी। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस, जो 1.6 नैनो आर्किटेक्चर बेस्ड सीपीयू है। पावर एफिशिएंट है, 410000 प्लस अंतर्स्कोर आता है। मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, डिसेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है, जो कि वन यूआई 6.1 पर बेस्ड है और ये दोनों ही आपको एकदम लेटेस्ट मिलते हैं। 13 5G बैंड्स, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपको 4 साल तक OS अपडेट्स मिलेंगे। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट अगेन अडैप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें डॉल्बी एटमोस ट्यून्ड सिंगल स्पीकर और 3.5mm जैक दिया गया है। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 12,999, 13,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। ये अंडर 15 की प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट सैमसंग फोन है। आपको डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी सब कुछ टॉप नॉच मिलता है। ये 6 प्लस 128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 6.5 इंचेस फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है विद ड्रॉप नॉच। 120Hz फास्ट रेपिड सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1000nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले टॉप क्लास दिया गया है। कंटेंट वॉचिंग के लिए आप स्मूथली गेमिंग भी कर सकते हो। रियर साइड में पॉलीकार्बोन बैक मिलेगा विद ग्लॉसीनेस। इसमें ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा OIS के साथ, जो सैमसंग के GN5 सेंसर को लेकर आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके मेन कैमरे से 4K 30fps और सेल्फी से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इस फोन का कैमरा टॉप नॉच परफॉर्म करता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिलती है नो डाउट। इसमें आपको परफॉर्मेंस दिया गया है Exynos 1280, जो एक 5nm CPU 5,00,000 प्लस अंतर्स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है, जो कि 1 UI 5.1 पर बेस्ड है। 9 5G बैंड्स, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट, 4 साल तक OS अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट अडैप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर और नॉक्स सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है विदाउट एनी ऑफर ओनली 12,999, सिर्फ 13,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। इसमें और गैलेक्सी M34 5G में कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्राइस भी दोनों की सेम है। फर्क बस इतना है कि M34 Amazon पर मिलेगा, जबकि F34 Flipkart पर मिलेगा। 6 प्लस 128GB बेस ब्रांड से आता है। अगर स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर 6.5 इंचेस फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है विद ड्रॉप नॉच। 120Hz फास्ट रेपिड सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 1000nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिसेंट दिया गया है। ये HDR और 4K सपोर्ट नहीं करता। रियर साइड में पॉलीकार्बोन बैक मिलेगा विद ग्लॉसीनेस और ये प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसमें OIS का सपोर्ट भी मिलता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके मेन कैमरे से 4K 30fps और सेल्फी से फुल HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा अगेन वन ऑफ द बेस्ट मिलता है। इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है Exynos 1280, जो 5nm CPU है, 5,00,000 प्लस अंतर्स्कोर आता है। डिसेंट गेमिंग कर सकते हो। इसमें 30fps गेम प्ले मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है, जो कि 1 UI 5.1 पर बेस्ड है और ये इसका फुल फ्लैश वर्जन मिलता है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप होगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट, 4 साल तक OS अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। इसमें 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाती है, जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट अगेन अडैप्टर बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर, नॉक्स सिक्योरिटी और 3.5mm जैक भी दिया गया है। तो ये स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है अगेन 12,999, सिर्फ 13,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे थे टॉप सैमसंग फोन्स अंडर 15 के। हो प्रदम वुड आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।